कोरोना के बचाव में लगे लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर है। इसी के अलावा कई मामलों में अपराधियों की तलाशी व धरपकड़ के लिए भी पुलिस को कई जगहों पर जाना पड़ रहा है और ऐसे में रतलाम पुलिस बड़ी संख्या में कोरोना की शिकार हो रही है। बता दें कि रतलाम में अधिकारियों सहित करीब 67 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिन्हें आइसोलेट कर उपचार किया जा रहा है। बता दें कि सबसे ज्यादा कोविड जांच रतलाम में पुलिस जवानों की हुई है और इसमें पुलिस जवानों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। अन्य जिलों में अब इतनी बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की कोविड जांच नहीं हुई है। पुलिस भी समाज का हिस्सा है, पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर की तरह कार्य कर रही है कोरोना को स्प्रेड को रोकने में। अभी जैसा आपको सभी को ज्ञात होगा कि 9 तारीख से रतलाम में कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है, उसको लेकर पुलिस भी चौराहों पर ड्यूटी कर रही है। पूरे जिले की नाकाबंदी की गई, नाकों पर लगी हुई है पुलिस। शहर जहाँ जहाँ ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेज है वहाँ पुलिस लगाया गया, जैसे रतलाम प्रॉपर या जावरा में भी चारों तरफ नाकाबंदी की गई है। इसके अलावा सेक्टर मोबाइल्स भी लगाए गए हैं और रूटीन क्राइम भी तमाम तरह की चीज़ें चल रही हैं इसमें। तो ऐसे में पुलिस विभाग बिल्कुल कोरोना से बचकर, ऐसे कहना गलत है, पुलिस वाले भी लोगों के संपर्क में आ रहे हैं। ये बात सही है कि बार बार डीजी सर के शासन के निर्देश हैं कि पुलिस वाले बचाव करें, इसके लिए पुलिस हर संभव प्रयास भी कर रही है, चाहे वो मास्क लगाने को लेकर हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर हो, चाहे हाथ सैनिटाइज करने को लेकर हो, लेकिन चूंकि पब्लिक के बीच। JSR टाइम्स के लिए रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।